उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री तथा उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष बाबूराम निषाद ने बैनीगंज स्थित भाजपा कार्यालय पर गोरखपुर न्यूज से विशेष बातचीत करते हुए कहा कि पिछड़ों का सम्मान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही सुरक्षित है। भाजपा सरकार ने पिछड़ी जाति के छात्राओं की छात्रवृत्ति समय से उपलब्ध करवाई है। उन्होंने कहा कि 2019 में केंद्र में दोबारा मोदी सरकार 2014 से भी अधिक बहुमत में सरकार बनाएगी। प्रदेश में विपक्षी पार्टियों के गठबंधन के इस सवाल पर राज्य मंत्री बाबूराम निषाद ने कहा कि इस बार भाजपा अपने विरोधी गठबंधन वाली पार्टियों को धूल चटाने का काम करेगी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य मंत्री बाबूराम निषाद ने कहा, पिछड़ा वर्ग के लिए विभाग के माध्यम से छात्रवृत्ति के माध्यम से सरकार ने बहुत अहम प्रयास किए हैं। जो पिछले कालखंडों पर छात्रवृत्ति नहीं मिल रही थी वो टाइम से बच्चों को प्राप्त हो रही है, और जो अभी 17-18 के शेष बच्चे हैं उनको भी प्राप्त होने जा रही है। और पिछड़े वर्गों के लिए सरकार का ध्यान पूरी तरीके से आकर्षित है, और पिछड़े समाज में आरक्षण की बात एक बार बार आती है, तो इसमें भी सामाजिक न्याय समिति का गठन करके सरकार ने अध्ययन करा लिया है। वो रिपोर्ट सरकार को बहुत जल्दी विद इन वीक सबमिट होने जा रही है, और 3 कैटेगरी में निश्चित रूप से सरकार आरक्षण पिछड़े वर्ग को देगी। 2019 के चुनाव के लिए नहीं, हम तो निरंतरता बना करके समाज हित में, देश हित में और विकास को आधार बनाते हुए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आए या ना आए इसकी बहुत परवाह नहीं करती है, लेकिन समाज के हितों के लिए, समाज के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, और हमारा संगठन भी मजबूत होता जाता है, और हम निरंतर काम करते हैं। और 2019 का चुनाव है, हम 2019 का चुनाव 2014 से बड़ी संख्या में हमारे सांसद जीतने वाले हैं, और योगी सरकार उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक कदम, सुशासन और कानून के राज की स्थापना की जो कल्पना थी वो वाकई में धरातल पर उतरते नज़र आ रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में सुशासन और सुस्ता के आधार पर ये सरकार काम कर रही है, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो गुंडे, माफिया, बदमाशों का वर्चस्व था, बेईमानों का, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था, वो सब एकदम से किनारे बैठ गए हैं, और उत्तर प्रदेश में साफ सुथरी राजनीति का एजेंडा लेकर विकास का आधार बनाते हुए हमारी सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि सुशासन और शुचिता के आधार पर ये सरकार आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। हम एक बार इनसे कहना चाहते हैं कि अगर गठबंधन में अभी कहीं कोई शंका हो तो कर लें, क्योंकि हम भी इनसे एक बार गठबंधन के आधार पर हम इन्हें धूल चटाना चाहते हैं कि गठबंधन कर लें, इस गठबंधन को हम धूल चटाएंगे। पिछला कालखंड जो भी रहा है, 2014 में इनका हश्र किया हुआ है, 2017 में इनका हश्र किया हुआ है, गठबंधन के तौर पर भी हमें धूल चटाने का काम करेंगे।